चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था असेसमेंट ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, और ये देखा था कि आखिर ट्रस्ट काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, इसके बारे में देखा था। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और आगे के प्रोविजंस की बात कर रहे हैं कि चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के आगे क्या क्या प्रोविजन है। हमने देखा सबसे पहले जो भी डोनेशन रिसीव्ड हुआ है वो हमको लेना होता है, देन डोनेशन रिसीव्ड में से एक 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, देन जो भी पैसा हमने अप्लाई कर दिया वो डिडक्ट हो जाता है, लेस हो जाता है। और अपन आगे बढ़ के एनोनिमस डोनेशन के बारे में जानेंगे, एक तो कि उसका क्या प्रोविजन है, सेक्शन 115 बीबीसी उससे रिलेटेड बात करता है तो उसके बारे में जानते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ एनोनिमस डोनेशन, तो देखिए जो एनोनिमस डोनेशन है उसके ऊपर टैक्स की रेट है 30%, 30% की रेट से टैक्सेबल होता है ये। एनोनिमस डोनेशन को हम क्या बोलते हैं, गुप्त दान, जिसमें पता ना हो कि डोनर कौन है। व्हेन देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ डोनर, टैक्स रेट क्या है भाई एनोनिमस डोनेशन पर, टैक्स किस रेट से लगता है? टैक्स रेट है 30%, ध्यान से समझिएगा इस 30% को, इन एक्सेस ऑफ हायर ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, हमें ये दो पॉइंट निकालने हैं, टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख, और इन दोनों में से क्या लेना है, हायर, ठीक है। इन दोनों में से जो भी हायर आया वो एग्जम्पशन नहीं है, पहली बात, इन दोनों में से जो भी हायर आएगा वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। सपोज करिए टोटल एनोनिमस डोनेशन, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, टोटल डोनेशन जो है ट्रस्ट को मिला है वो 10 लाख रुपीज का है,
इसमें एनोनिमस डोनेशन, ₹3 लाख का है। अब टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एनोनिमस डोनेशन लिखना है, मिला कितना है, तो एनोनिमस डोनेशन तो मिला है सर ₹3 लाख। अब इसमें से लेस करना है हायर ऑफ द फॉलोइंग, पहला पॉइंट टोटल डोनेशन का 5%। टोटल डोनेशन कितना है? 10 लाख, इसका 5% कितना आएगा? और सेकंड पॉइंट में हमको लिखना है 1 लाख। इन दोनों में से लेना है हायर, तो दोनों में से हायर कितना आया? 1 लाख। फिर इसके बाद में बचा बैलेंस। ये जो बैलेंस बचा है ये टैक्सेबल होगा 30% की रेट से। ये ₹2 लाख, और ये भी कोई एग्जम्पशन नहीं है, ये भी टैक्सेबल होगा, ये नॉर्मल रेट से होगा। ये नॉर्मल डोनेशन में जाके जुड़ जाएगा, बाकी अदर डोनेशन की तरह हो जाएगा ये, और ये नॉर्मल मतलब 3 लाख है तो पूरे 3 पे ही टैक्स लगेगा। अब बात ये कि किस पे 30 लगेगा, किस पे नॉर्मल, तो ये जितना लेस होता है वो तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा, और जितना ये बैलेंस बच गया वो 30% की रेट से टैक्सेबल होगा। तो ये ₹1 लाख तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल, जैसे इसमें देखो 10 में से 3 एनोनिमस है, मतलब नॉर्मल कितना है? 7 लाख। उस 7 लाख में ये 1 लाख और जुड़ेगा, मतलब नॉर्मल हो गया 8 लाख और एनोनिमस हो गया 2 लाख। अब वो 8 लाख में से 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसमें से अप्लाइड इनकम लेस करेंगे, फिर जो इनकम रहेगी उस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लग जाएगा, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली 30% लगेगा। इसमें से कोई 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे हम टैक्स रेट में पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अलग टैक्स रेट है, उसी तरीके से इस पर भी अलग टैक्स रेट है, और ये वाला इसके साथ मिलेगा और नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर इसका ये छोटा ट्रीटमेंट है, ये उनके साथ में जा करके आएगा। अब एनोनिमस डोनेशन के बारे में कुछ बातें और जानना जरूरी है हमको। अभी क्या होता है कि कुछ एनोनिमस डोनेशन नॉर्मल डोनेशन की तरह टैक्सेबल होंगे, मतलब 115BBC में टैक्सेबल नहीं होंगे। वो कौन से है? अगर पहले अपन जान लेते हैं कौन से। देखो, एनोनिमस डोनेशन का जो 30% का सेक्शन है वो है 115BBC। जरूरी नहीं है कि हमेशा एनोनिमस डोनेशन 115BBC में ही टैक्सेबल हो, वो नॉर्मल भी टैक्सेबल हो सकता है। कब? अगर एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है होली रिलीजियस ट्रस्ट को, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनमें बहुत सारे दान पात्र में जो है डोनेशन आते हैं और पता नहीं है किसने दिए, ये कैसे टैक्सेबल होगा? ये एनोनिमस डोनेशन नॉर्मल डोनेशन है, एनोनिमस फिर भी कैसे किया जाएगा? नॉर्मल। या फिर कोई होली रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, मतलब रिलीजियस भी एंड साथ साथ में चैरिटेबल दोनों का मिक्सचर है, तो भी उस केस में एनोनिमस डोनेशन नॉर्मल डोनेशन की तरह ही ट्रीट होगा। लेकिन सर कोई होली चैरिटेबल है तो उसके लिए ऐसे टैक्सेबल होगा। आप देखो, रिलीजियस जहां भी जुड़ रहा है ना, चाहे अकेली हो या रिलीजियस प्लस चैरिटेबल हो, तो एनोनिमस डोनेशन कैसे टैक्सेबल हो रहा है? नॉर्मल। लेकिन होली चैरिटेबल है तो कैसे होगा? ऐसे जैसे पढ़ा। अब एक और केस आता है इसमें, मान लो कोई ट्रस्ट होली रिलीजियस एंड चैरिटेबल ही है, बट उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन मिली है कि ये जो पैसा है ना तुम, ये तुम्हारी जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है उसी में लगाना, तो मतलब वो पैसा आप किस पर्पज के यूज में हो रहा है? चैरिटेबल, रिलीजियस में नहीं जा रहा, कहां जा रहा है? चैरिटेबल।
अगर होली रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिलता है विद द डायरेक्शन दैट इट शुड ओनली बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देन उस केस में वो 115BBC में ही टैक्सेबल होगा, मतलब वो नॉर्मल डोनेशन में नहीं होगा। मतलब कौन से दो केसेस है जब 115BBC में आएगा? या तो आप पूरे तरीके से चैरिटेबल हो तो ऐसा होगा, या फिर आप रिलीजियस एंड चैरिटेबल हो बट डायरेक्शन क्या मिली है कि आपको यूज चैरिटेबल के काम में ही करना है, मतलब हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो भी आपको यही करना है। मतलब दो केस में ऐसा करना है, दो में नहीं करना है ऐसा। तो फॉलोइंग यहां पर देखो ऐसे लिख देते हैं इसको कि एग्जम्प्ट कब होगा और टैक्सेबल कब होगा अंडर फॉलोइंग केसेस। एनोनिमस डोनेशन, एग्जम्प्ट नहीं बोलेंगे इसको, टैक्सेबल एज नॉर्मल डोनेशन। रेट 30%। वो कौन कौन से केसेस है? पहला केस, फर्स्ट केस, इफ रिसीव्ड बाय होली रिलीजियस ट्रस्ट तो ऐसा होगा। सेकंड केस, इफ रिसीव्ड बाय होली रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, हाउएवर इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115BBC इफ इट रिसीव्ड विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल और हॉस्पिटल और मेडिकल पर्पस, तो फिर उस केस में नहीं होगा। ये एनोनिमस डोनेशन का प्रोविजन है। इसमें देखो सबसे पहले मेन प्रोविजन क्या है, 30% की रेट से टैक्सेबल होगा, लेकिन ये जो यहां लेस होता है ये किस रेट से टैक्सेबल होगा? नॉर्मल, इसको नॉर्मल डोनेशन में। अब क्या होता है कि ये टोटल डोनेशन में कौन कौन से डोनेशन आएंगे, ये भी एक सवाल है। टोटल डोनेशन इसमें आपको नॉर्मल डोनेशन लेना है, प्लस कॉर्पस भी लेना है। वैसे तो कॉर्पस टैक्सेबल नहीं होता, बट जब ये 5% निकालोगे तो वो भी लेना है, प्लस एनोनिमस को भी लेना है जो ये खुद है, मतलब टोटल जितना भी है वो लेना है। और अगर आपको कभी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रखी हो तो वो भी एक टाइप का डोनेशन ही होता है, नॉर्मल डोनेशन, तो वो भी ले लेनी है। और इन सबको लेने के बाद में इनका 5% करना होगा। तो इस डोनेशन के अंदर हमको क्या क्या ऐड ऑन करना है उसका हमको ध्यान रखना है कि ये चीजें ही ऐड ऑन होगी, इसके अलावा वैसे भी कोई डोनेशन होता नहीं है।
तो ये था अपना एनोनिमस डोनेशन का, जिसमें डोनर का कुछ पता नहीं होता है उसे एनोनिमस डोनेशन बोलते हैं। इन दोनों को लेस करने के बाद जो बचेगा वो 30% की रेट से टैक्सेबल होगा, और इनमें से जो हायर आएगा वो एज नॉर्मल डोनेशन होगा, कोई एग्जम्पशन नहीं है, वो ध्यान रखिए। इसके बाद में होल्ली रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलने वाला नॉर्मल रेट से ही टैक्सेबल होगा, एग्जम्पशन कहीं भी नहीं है इसमें। इसके अलावा एक और ध्यान में रखने वाली बात है, रिलीजियस प्लस चैरिटेबल है और डायरेक्शन मिली है कि यूज किस में करना है, एजुकेशनल, हॉस्पिटल या मेडिकल में ही, तो उस केस के अंदर फिर ये 115 BBC में ही टैक्सेबल होगा 30% के रेट से, नॉर्मल में नहीं जाएगा। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। कोई नहीं है क्या? एक बार ऑनलाइन भी ज्वाइन करके छोड़ देना।
हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखो बात कर ली है कि ऊपर जो इनकम साइड होती है उसमें क्या क्या आ सकता है। डोनेशन रिसीव्ड साइड में एक तो नॉर्मल डोनेशन मिलेगा या फिर एनोनिमस होगा, तो इस तरीके से कैलकुलेट होकर के आना है। कॉर्पस को हमें लेना नहीं होता है, और अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली है तो वो आ जाएगी। और अगर ट्रस्ट ने कोई बिजनेस से अपनी इनकम वगैरह अर्न करी है, कुछ भी इनकम अर्न करी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाती, स्टूडेंट से फीस आई हो, तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, स्पेशल एडजस्टमेंट सिर्फ इसका है, बाकी तो जैसे दिए हुए वैसे ही आएंगे, बट ध्यान रखिएगा उसमें कॉर्पस डोनेशन नहीं आता है, इसका स्पेशली हमको ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं अप्लाइड इनकम की। अब उसमें सबसे पहला जो आता है, अभी हम पढ़ने वाले सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, ये क्या बात कर रहा है कि जो भी इनकम हमने ट्रस्ट के कामों के लिए अप्लाई कर दी, चाहे अब वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा कराओ या कैपिटल का, ट्रस्ट में फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस करें या कैपिटल नेचर का एक्सपेंस करें, वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा एज अप्लाइड इनकम। लेकिन सपोज करिए कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी 20 लाख रुपीज की, कैपिटल नेचर की है। बिल्डिंग पे हम जनरली क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, बट ट्रस्ट के पास में ऑप्शन है, वो चाहे तो उस पर डेप्रिसिएशन ले ले, या पूरा का पूरा 10 लाख एज अप्लाइड मान के अभी लेस कर दे। तो ट्रस्ट जनरली पूरा का पूरा एक साथ ही लेस करती है, अदरवाइज उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ट्रस्ट यहाँ पर क्या करती है, चाहे रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो या कैपिटल नेचर का खर्चा हो, वो सारा का सारा क्या कर सकती है, यहाँ पर डिडक्ट कर सकती है। लेकिन जिस कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को यहाँ लेस कर दिया गया है, उसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन का क्लेम फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार हमने मान लो कि पुराने सालों में कोई असेट खरीदी थी लोन लेकर के, वो 10 लाख रुपए का लोन था, अभी 8 लाख ही बचा था, हमने 8 लाख का पूरा रिपेमेंट कर दिया एक साथ, तो ये 8 लाख भी एज अप्लाइड इनकम लेस किए जा सकते हैं, क्योंकि ये 8 लाख भी किस पे खर्च हुए, ट्रस्ट के ही पर्पस पे, ट्रस्ट के ही कामों के ऊपर खर्च किए गए हैं, तो इसे भी लेस किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, कई बार ट्रस्ट क्या करती है, किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन दे देती है, तो उसे भी डिडक्ट किया जा सकता है, लेस किया जा सकता है। बट दूसरी ट्रस्ट को यदि कॉर्पस डोनेशन दिया है तो वो लेस नहीं किया जा सकता, मतलब इसके लिए कॉर्पस नहीं है, इसके लिए तो वो नॉर्मल ही था, इसके पास पैसा पड़ा है, इसने किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन दिया, तो क्या हो गया भाई, हमने अप्लाई कर दिया, खर्च कर दिया, अब वो अप्लाइड इनकम लेस हो जाती है। लेकिन आपने दूसरे को ये बोल के दिया है कि भाई ये तो क्या है, कॉर्पस है, ऐसे यूज मत करना, बस जब आपकी इमरजेंसी आए तभी यूज करना, तो उस केस में आप उस डोनेशन को एज अप्लाइड इनकम लेस नहीं कर सकते। तो इफ एनी डोनेशन गिवन टू अदर ट्रस्ट दैट कैन बी डिडक्टेड, हाउएवर सच डोनेशन इज कॉर्पस डोनेशन फॉर अदर ट्रस्ट, हमारे लिए तो वो नॉर्मल ही है क्योंकि हमारी तो इनकम में कॉर्पस आता ही नहीं है। तो आप सोच के देखो एक लॉजिकल बात, सर एक ट्रस्ट ने दूसरी ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन दिया, तो ये ट्रस्ट क्या बोल रही है कि मैं उसको खर्चा मान के लेस कर दूं, ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, जब उसको लेस किया जा रहा है तो क्या उसने उस पर टैक्स दिया, नहीं दिया। फिर होता क्या है, सरकार किसी से तो टैक्स लेगी ना, लेकिन उधर दूसरी ट्रस्ट की इनकम में जुड़ता है क्या कॉर्पस ना, तो अगर इसको अप्लाइड मान के लेस करने दे तो सरकार बोल रही चलो एक जगह से टैक्स नहीं बना, कोई बात नहीं दूसरे से ले लेंगे, बट दूसरे से भी कैसे ले, क्योंकि दूसरे की इनकम में तो वो ऐड होता ही नहीं है। तो अब इसको अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसके अलावा ट्रस्ट के ऊपर कुछ पीजीबीपी के सेक्शंस भी लगते हैं, जिसकी बात अपन यहीं पर करते हैं एक साथ में। देखिए अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं रिमेनिंग 85% इनकम की, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद आया है, उसका क्या होगा। देखिए रिमेनिंग 85% इनकम, उससे रिलेटेड बात करते हैं। इसमें पहला पॉइंट, एनी इनकम अप्लाइड, आप नोट भी कर सकते हैं इसको साथ साथ में, एनी इनकम अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट
इट मे बी ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। दोनों नेचर के हो सकते हैं। हाउएवर इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिशर इज ऑलरेडी डिडक्टेड as applied, then on such asset depreciation will not be available. पॉइंट नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। एनी इनकम अप्लाइड एज कॉर्पस डोनेशन टू अनदर ट्रस्ट then such income cannot be deducted as applied. ये पब्लिक से ट्रस्ट ने नॉर्मल डोनेशन लिया, ट्रस्ट की इनकम में ये इंक्लूड हुआ, इसको अप्लाई करा इन्होंने, तो ये वाला जो पार्ट है इसको अप्लाइड मान के लेस नहीं करेंगे, और इसका रीजन भी साफ साफ है, ट्रस्ट बी को लिए वो थोड़ी ना टैक्सेबल है।
चलिए इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए। एक ट्रस्ट है, यहां पर बोला गया है 40A1 या 40A1A, ये सारे प्रोविजंस जो है 40A सबसेक्शन 2, ये सारे प्रोविजन ट्रस्ट के ऊपर लगेंगे। सपोज करिए जैसे ट्रस्ट ने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करा, वैसे ये सेक्शन पीजीबीपी में आएंगे और आपने इंटर में भी पढ़े हुए हैं ये सेक्शन। ये एक नॉन रेजिडेंट है जिसको पेमेंट किया गया ट्रस्ट के द्वारा, ये पेमेंट था ₹1 लाख का। अब इस ₹1 लाख पर टीडीएस नहीं काटा ट्रस्ट ने, और या फिर डिडक्ट कर लिया बट नॉट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। अब ट्रस्ट बोल रही है हम इसको एज अप्लाइड इनकम लेस करना चाहते हैं, तो यहां पर मना कर दिया गया, बोला नहीं पीजीबीपी के भी प्रोविजन लगेंगे, इसका मतलब ट्रस्ट ये 1 लाख को लेस नहीं कर पाएगी, ₹1 लाख कैन नॉट बी डिडक्टेड एज अप्लाइड। और मान लो यार नॉन रेजिडेंट की जगह अगर रेसिडेंट होता तो क्या होता, तो हमने पीजीबीपी में पढ़ा हुआ है कि अगर रेसिडेंट को पेमेंट करते टाइम टीडीएस काटना था लेकिन नहीं काटा तो उस खर्चे का 30% डिसअलाउड हो जाता है। तो सपोज करिए कि ये नॉन रेजिडेंट की जगह रेसिडेंट होता तो क्या होता, व्हाट इफ ही इज रेसिडेंट, तो इस सिचुएशन में क्या होता, इस सिचुएशन में 30%, इट मीन्स ₹30,000 कैन नॉट बी डिडक्टेड एज पीजीबीपी में। तो क्या करते हैं ये सब एडजस्ट हो रखे होते हैं, इसको डिसअलाउड करते हैं, एडबैक करते हैं, यहां ऐसा नहीं है, यहां हम लेस ही नहीं करेंगे उसको, यहां हम सीधा चल रहे हैं, पीजीबीपी में उल्टा चलते हैं, प्रॉफिट का बेस लेके जो गलतियां हो चुकी है उसको एडबैक करके ठीक करते हैं। यहां नॉर्मल सा पार्ट क्या है कि आपको इसको लेस ही नहीं करना है, जो अलाउड है ही नहीं आपको। तो अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काटा तो वो पूरा का पूरा खर्चा ही लेस नहीं होगा, रेजिडेंट को पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काटा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 30% डिसअलाउड हो जाएगा। इसी में सेकंड बात करते हैं, फोर्टी ए सबसेक्शन 2, 40A सबसेक्शन 2 एक्सेस और अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव की बात करता है। ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आप रिलेटिव को एक्सेस और अनरीजनेबल पेमेंट कर रहे हो तो वो एक्सपेंस आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, अलाउड नहीं है वो खर्चा। तो अभी ट्रस्ट ने यही काम कर लिया, सपोज करिए ये जो ट्रस्ट है इन्होंने अपने रिलेटिव को पेमेंट करा, ₹2 लाख करा, ये ट्रस्ट का रिलेटिव है। ट्रस्ट के कौन कौन रिलेटिव है ये इस चैप्टर में आगे आने वाला भी है, बट रीजनेबल ₹1,50,000 ही बन रहा था। तो इस सिचुएशन में एक्सेस पेमेंट ऑफ ₹50,000 कैन नॉट बी डिडक्टेड एज अप्लाइड, वो अप्लाइड मान के लेस नहीं हो पाएगा। ये 40A सबसेक्शन 2 का है, एक्सेस अनरीजनेबल क्वेश्चन आएगा तो खुद ही बताएगा कितना एक्सेस है, अनरीजनेबल कितना है खुद ही बताएंगे।
तीसरे पार्ट की बात करते हैं, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, कैश पेमेंट। इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10,000, अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट करते हो तो वो क्या होता है? डिसअलाउड। डिटेल प्रोविजन तो पीजीयूपी में पढ़ेंगे, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को सिंगल इनवॉइस के अगेंस्ट। अगर आप 10,000 रुपीज से ज्यादा का कैश पेमेंट करते हो तो दैट विल बी डिसअलाउड। अब यहां पर क्या हुआ, कि ट्रस्ट ने किसी पर्सन को पेमेंट करा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ₹50,000 का, और ये कैश में पे कर दिया। तो वैसे नॉर्मल बिजनेसेस को तो क्या होता है कि अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की कैपिटल असेट का वैसे भी खर्चा तो लेस होता नहीं, उस पर क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन मिलता है। तो नॉर्मली अगर आप 10,000 से ज्यादा का कैश देके कोई असेट खरीदते हो तो उस असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और कोई नॉर्मल खर्चा आप कर रहे हो 10,000 से ज्यादा का तो वो खर्चा लेस ही नहीं होता है। बट यहां पर क्या होगा, बात ये ट्रस्ट इस 50,000 रुपीज को लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि कैश में कहां तक अलाउड है? 10,000 तक ही है। ये 50,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, एंटायर 50,000 रुपीज कैन नॉट बी डिडक्टेड एज अप्लाइड। क्लियर है ये सारी बातें? तो ये सेक्शन भी ट्रस्ट के ऊपर लगेंगे। तो मान लो कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंट में ये दिया हुआ है तो ये अप्लाई करके अकॉर्डिंगली हमको अप्लाइड इनकम लेस करनी होगी। चलिए ये आगे का आप नोट कर सकते हैं।
इसका जो स्पेसिफिकली सेक्शन है वो है सेक्शन 40A1, नॉन रेजिडेंट वाले का। इसका है 40A1A, 30% डिसअलाउड का। चलिए इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और कुछ अप्लाइड इनकम से रिलेटेड प्रोविजंस को देखेंगे कि अगर किसी कारण से इनकम अप्लाई नहीं हो पाती है तो क्या होगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।